ऐ सागनाने कारवां सराय, कारवां सराय में ठहरने वाले तमाम मुसाफरों की खिदमत में सलाम। और ये जो सादकानी एडिशन था कारवां सराय का, आज इसकी तीसरी और आखिरी किस्त है। ख़वातीन व हज़रात, एक मुसव्विर हैं, उनका नाम है बैंक्सी। शायद आपने नाम सुना होगा। ये बैंक्सी क्या है, नोबडी नोस, किसी को पता ही नहीं कौन है। बंदा है, जिन है, भूत है, प्रीत है, उसके वजूद की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन वो इस वक्त दुनिया के बड़े मुसव्विरों में शुमार होता है। अब वहाँ पे यूरोप में एक तरीका है पेंटिंग का, जिसको कहते हैं ग्राफिटी, यानी मुख्तलिफ वॉल्स पे लोग अपने फ़न का इजहार करते हैं, अपने गुस्से का, अपने पॉलिटिकल जज्बात का। न्यूयॉर्क वगैरह में शुरू हुआ, बर्लिन में मैंने देखा दीवारें भरी हुई हैं कि जिसको थोड़ा सा फ़न से लगाव है वो पेंट का डब्बा लाता है और उसके बाद उसके ऊपर अपनी तर्ज की कोई ना कोई चीज़ बना देता है। तो बैंक्सी जो था या है, उसका भी यही वतीरा था। यानी एक सुबह कोई साहब उठे, बाहर जाके देखा तो उनकी बाहर वाली दीवार पे एक पेंटिंग बनी हुई है। और पेंटिंग जो है वो रेलेवेंट है, ऐसे नहीं बनी हुई। मसलन ऊपर एक को क्रेन है, तो नीचे बैंक्सी ने बनाया हुआ है कि एक बंदा फांसी के साथ लटक रहा है, यानी उसकी कंटिन्यूटी है। कई उसकी जो पेंटिंग है इसी तरह, वो फ़लस्तीनियों के हक़ में है, यानी जुल्म के ख़िलाफ़ वो जद्दोजहद करता है। बुनियादी तौर पे एंटी अमेरिकन उसका स्टांस होता है। और किसी को कोई नहीं पता कि भाई कौन है, न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो, यूरोप के किसी शहर में हो, कहीं एक दीवार पे एक सुबह पता चलता है कि एक पेंटिंग है और वो बैंक्सी ने बनाई है और वो गायब। अब वो पेंटिंग जो बैंक्सी बनाता है वो एक वर्क ऑफ आर्ट कंसिडर की जाती है। उसके गिर्द फिर वो ज़रा लगा देते हैं कि भाई हर एक इसको हाथ ना लगाए। इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। मसलन ये कि एक दफ़ा शायद न्यूयॉर्क था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स गिरा रहे थे, जिस तरह आपको पता है कि जो ये होते हैं हाउसिंग माफियाज, अब ये गोट के गोट खाली करके वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो रेजिडेंशियल बनती हैं उसमें जुल्म भी बहुत होता है। तो थोड़ा बहुत यही सिलसिला बाहर के मुल्कों में भी। तो वहाँ पे एक सेट ऑफ बिल्डिंग्स था, उसको गिराया जा रहा था और एक बंदे ने कहीं ख्वाहिश का इजहार किया कि काश बैंक्सी होता और हमारी किसी दीवार पे कुछ बना देता। और यही हुआ, एक हफ्ते के बाद एक जो बुसीदा दीवार थी उसमें बैंक्सी ने एक लड़की बनाई थी गुब्बारे के साथ। चुनाचे वो बिल्डिंग अब ढा नहीं सकते क्योंकि दीवार जो है वो एक वर्क ऑफ आर्ट है। बैंक्सी का सबसे बड़ा जो उसने स्कैंडल किया वो ये था कि उसकी वही तस्वीर जो मैंने बताया है कि एक लड़की है उसने गुब्बारा पकड़ा हुआ है, वो लंदन के बहुत बड़े नीलाम घर में फ़रोख्त के लिए पेश की गई और $1 मिलियन उसकी आखिरी कीमत हुई। और जिस वक्त वो हथौड़ा जो था कि डन वो बजाय, तो उसके पीछे बैंक्सी ने कोई ख़ास मैकेनिज्म लगाया हुआ था। उसके साथ ही वो जो है तस्वीर, उसके कागज़ के परख्चे उड़ने शुरू हो गए, यानी उसको मुख्तलिफ़, यानी वो डिस्ट्रॉय हो गई और उसका एक हिस्सा सिर्फ बाकी बचा। अब शोर मच गया कि ये क्या हुआ। Witnesses couldn't believe what they were seeing. We can only imagine what the buyer was thinking. The person's identity hasn't been revealed. Sotheby's claims it was shocked by the stunt. The auction house is also trying to figure out what this means for the value of the painting. Considering the artist, who is known for using his craft to pull pranks and make ideological points, some artists speculate the value of girl with balloon could actually soar. लेकिन हैरत की बात यह है कि वही तस्वीर जो बाकी बच गई थी वो उसी रोज $10 मिलियन की फरोख्त थी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं कि बैंक्सी कौन है, क्या वो एक मुसव्विर है या मशहूर मुसव्विर है, उसने भेष बदल रखा है, या कोई तीन चार लोग हैं, या ये कोई वहम है कि बैंक्सी है ही नहीं।
मैंने बैंक्सी की कहानी इसलिए सुनाई है कि सादकैन भी अपने बचपन में बैंक्सी की तरह थे। अमरोहा में पैदा हुए, अब अमरोहा में चलन तो बहुत था, शायरी का भी और अदब का भी। आप जानते हैं रईस अमरोही साहब, तकी साहब, जॉन एलिया साहब, सब के सब अमरोहा के। लेकिन मुसव्वरी का कोई ख़ास नहीं था, ना पेंट मिलते था, इसका कोई रिवाज ही नहीं था। सादकैन के जो दादा परदादा थे वो करते थे, खत्ताती करते। तो सादकैन घर में से जो चूल्हा होता था उसमें से कोयला निकालते थे और किसी महल्ले में जाके कोई ना कोई अपना तस्वीर बना देते, और अहले महल्ला हैरान होते थे कि ये तस्वीर कौन बना गया। फाइनली ये पता चला कि मौसूफ़ सादकैन साहब हैं, उन 12-14 साल की उम्र के थे, वो बनाते हैं। और सादकैन ने दीवारों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तस्वीरें बनाई। अनफॉर्चुनेटली वो तो प्रिजर्व नहीं की जा सकी। अच्छा, एक दिलचस्प हकीकत जो है वो ये है कि सादकैन का जो शजरा नसब है तकरीबन 50 नस्लों तक वो महफूज, और उन 50 नस्लों में कोई भी शख्स सादकैन नाम का नहीं हुआ। मैंने भी पहले सादकैन नाम का कोई शख्स नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो आप बता दीजिएगा। और इस पर सादकैन ने एक रुबाई लिखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग। कहते हैं, दुनिया में बेशुमार बेहद नकवी, दुनिया में बेशुमार बेहद नकवी, गिन सकते नहीं इतने हैं नकवी, अपने ही नाम के एक तुम हो, ऐ सैयद सादकैन अहमद नकवी। तो ये थे अमरोहा के उनके बचपन के हालात। एक और जो मुझे दुख होता है वो इस हकीकत से होता है, ये ऐसा हो रहा है कि सादकैन, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि तस्वीरें फ़रोख्त नहीं करते थे, वो कहते थे ये आवाम के लिए, कभी उन्होंने तस्वीर की कीमत नहीं ली। चुनाचे ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके फ़न की कदर नहीं की, क्योंकि मुस्लिम में नहीं, चुनाचे तस्वीरें ख़राब हो रही हैं और उनका बड़ा बुरा हाल है। सादकैन चूँकि ज़्यादातर बनाते थे इससे मार्कर से, और मार्कर में तेज़ाब होता और वो मध्यम हो जाता विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ हो कि उन्होंने जो मेरी तस्वीर बनाई वो अपना पोर्ट्रेट बनाई, वो बाल पॉइंट और बड़ी तफसीली, क्योंकि बाल पॉइंट से पूरी पोर्ट्रेट बना, लेकिन जहाँ उन्होंने दस्तखत किए हैं वो दस्तखत मध्यम हो रहे हैं। इसी तरह सरफराज इकबाल थी इस्लामाबाद की, बहुत अच्छी खातून, गालिब इकबाल उनके बेटे फ्रांस में सफ़ीर भी रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। दिल नवाज दिल थे हमारे देश, हमारे दोस्त, उनके लिए बहुत काम किया, और बहुत लोग हैं जिनके लिए उन्होंने काम किया। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि वो खोज लगाए कि किन किन लोगों के पास सादकैन का काम है, उसे महफूज किया जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने कम से कम 20-22 उनके खाके जो हैं वो बिल्कुल दिल से लगा के रखे हैं। दास्तान को जो है दास्तान कहते थक तो जाता। दास्तान को ताज़ा दम हो गया। सादकैन ने आगाज़ तो शायरी से किया, बल्कि उनका एक मजमूआ कलाम भी उन दिनों छपा जिसका नाम शायद औराक़े बोसीदा या इस किस्म का है। उसके बाद वो मुसव्वरी की तरफ आए और उसके बाद वो खत्ताती की तरफ आए 1968 में। इस हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ज़ियाउल्लाह के ज़माने में एक ज़ाहिर है कि जिस किस्म की हुकूमत की पॉलिसी थी, आम मुसव्वरों की बहुत दिलचिकनी हुई, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। चुनाचे बहुत से लोगों ने सिर्फ फैशन के तौर पे कि इसका मोल पड़ता है मुसव्वरी यानी खत्ताती में मुसव्वरी करना शुरू कर दिया, जिसको मुसव्वराना खत्ताती कहते हैं। तो सादकैन ने उसकी पैरवी नहीं की, वो उससे बहुत पहले खत्ताती करते थे, और पहले खत्ताती करने वालों में मेरा जो इल्म है जितना वो ये है कि हनीफ रामे ने इब्तिदा की। सवेरा के पुराने एडिशन देखें
उसमें हनीफ रामे ने मुख्तलिफ जो है मुकद्दस आयात वो लिखी हुई हैं या लफ्ज़ लिखे हुए हैं। और मुझे अब तक याद है कि अलहमरा में उन्होंने एक नुमाइश की थी जिसमें 60 मुख्तलिफ खत्तातियाँ थीं और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का नाम लिखा हुआ था। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी खूबसूरत थी हर एक, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम का नाम लिखने के लिए सिर्फ खत्ताती का हुनर नहीं चाहिए, उसमें जो इश्क है जब तक वो ना हो, जब तक जज्ब ना हो, आप इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस तरीके से कि वो अफेक्टिव हो, दिल पे असर करे, नहीं लिख सकते। तो हनीफ रामे साहब ने किया, उनकी खतातियाँ पता नहीं कहाँ हैं, उनका बेटा इब्राहिम शायद उनके पास हो। उसके बाद शाकिर अली ने एक दो बड़े पेंटिंग्स बनाई, अहमद ख़ान ने, सईद अख्तर ने, और भी लोग थे, लेकिन ये सब पहले बना रहे थे। बाद में बहुत सारे लोग खत्ताती की तरफ आए, लेकिन साद कैन ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 1968 में शुरू की थी, बहुत पहले, और उनका कोई उस्ताद नहीं था। मैंने पिछली मरतबा उनकी रुबाई पढ़ी थी, फिर से आपके खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि आपको इल्म हो जाए कि उन्होंने किसी से सीखी नहीं है, उनके बाप दादा करते थे। कहते हैं फ़न है तख्लीको इख्तराओ ईजाद, फ़न है तख्लीको इख्तराओ ईजाद, नकल तकलीद से मैं यूँ हूँ आज़ाद, खत्ताती में, शायरी में, नक्काशी में आप अपना शागिर्द हूँ और ख़ुद अपना उस्ताद। यानी उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प अमर ये है कि साद कैन ने पंजाबी में भी रुबाइयाँ गईं, और मेरा ख़्याल है कि मुन्नू भाई ने उनको इस तरह माइल किया, और वो बड़े फ़ख्र से पढ़ते थे और एक ख़ास अंदाज से पढ़ते थे। उनकी दो रुबाइयाँ मैं आपको सुनाता हूँ पंजाबी की, और इसमें को लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए ये तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इनके मुझे रेफरेंस कहीं नहीं मिले थे, तो महज याददाश्त पे ही मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया है। कहते हैं कि उसकी थी कोई अधूरी गल, उसकी थी कोई अधूरी गल, करनी सी ओदे नाल कोई ज़रूरी गल, कुछ गैर सी बैठे ओदे नाल, करनी सी कोई बहुत ज़रूरी गल। ये साद कैन की रुबाई है, और ये रुबाई जो है, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये आखिर में जो मैं सानिहा बयान करूँगा उस पर ये मुंतबिक होती है। इसको याद रखिएगा, बाद में भी सुना दूँगा, और ये भी पंजाबी में है। और वो कहते हैं मुखड़े पे नमक वल वल वेखा, कद बुतनू तेरे नाल मुकम्मल वेखा, शीशे दे शो के इस विच बंद करके दिल आखदा है तैनू मुसलसल वेखा। अच्छा, जब ये नरेट करते थे ना तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में करते थे, वो स्टाइल जो था ना उनका रुबाई का उर्दू वाला, उसको तर्क करके पंजाबी के लहजे में कहते थे कि शीशे दे शोकेस च बंद करके वेखा, अगर दिल आखदा है तैनू मुसलसल, तो अंदाज भी वही बदल लेते। एक नकाद ने कहा था कि आप साद कैन की मुसब्बरी को तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी शायरी नहीं पढ़ते, क्योंकि उसने अपनी शायरी में उसका जो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा खत्ताती और वो सारा कुछ, या फ़लसफ़ा मुसब्बरी, वो बयान कर दिया। तो मैं आज आपकी खिदमत में यही किताब जो मैंने अर्ज़ किया, ख़त साद कैन, संग मीर वालों ने छापी और उस्ताद खुर्शीद गौहर कलम ने इसको तहरीर किया, और उनकी नकल में, यानी उनको उस्ताद मानते हुए उनके ख़त में गौहर ने बहुत सारी रुबाइयाँ लिखी और शेर लिखे जिनमें ज़्यादातर सागर सिद्दीकी के हैं। तो साद कैन लिखते हैं कि फ़न की चल तो रही है रेड़ी यारब, रेड़ी गलब से, फ़न की चल तो रही है रेड़ी यारब, सतरें लिखता हूँ टेढ़ी मेढ़ी यारब, लिखते हुए आयात जिन्हों बचपन से अब उंगलियां हो चुकी हैं टेढ़ी यारब, और उंगलियां वाकई टेढ़ी हो गई थी। और एक और जगह लिखते हैं कब हैं रवशे आम के लिखने वाले, कब हैं रवशे आम के लिखने वाले, हर्फों को हैं दिल थाम के लिखने वाले,
तख्ती पे शबाना रोज खूने दिल से हम तो हैं तेरा नाम लिखने वाले। अच्छा, एक मुसलसल नज़म टाइप चीज़ है और मेरा ख्याल है कि इसको अगर सादगैन की मुसव्वरी का दस्तूर मान लिया जाए कि उन्होंने इस नज़म में जो इन शेरों ने मुकम्मल वो जो फ़लसफ़ा है अपनी हयात का और मुसव्वरी का वो बयान किया है कि वो क्या महसूस करते हैं कि ये मुसव्वरी किसकी देन है, कहाँ से आई है, सीखी तो है नहीं, खुद ही कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ अपना शागिर्द हूँ और खुद ही अपना उस्ताद हूँ, ये इस नज़म में हवैदा हो जाता है कि ये सब क्या है। वो कहते हैं मुझको लोहो कलम है देता मेरा रब, अबजद का जमाल रम देता है मेरा रब, छप्पर में हूँ और फाड़ के छप्पर मुझको आयाद के पेचो खम है देता मेरा रब, और ख़त में मेरे पिन्हा है जो इकराज़े हयात, आकान में तुझको बता दूँ वो बात, ये हाथ पकड़ कर मेरा जैसे कि हूँ तिफ्ल, लिखवाती मशीयत ही है मुझसे आयात, और नाज़िल ये कलम किस पे है, मुझ जैसे पर, और लौहो कदम किस पे है, मुझ जैसे पर, और मौला के करम का भी नहीं कोई असूल, मौला का करम किस पे है, मुझ जैसे पर, और दुश्मन को तो दी दामो धर्म की दौलत, और हम पे बखेर दी करम की दौलत, दी इतनी समेटे से सिमटती ही नहीं, मौला ने हमें लोहो कलम की दौलत, आशिक के लिए रंजो अलम रखे हैं, शाहों के लिए ताजो अलम रखे हैं, मेरे लिए क्या चीज़ है मैंने पूछा, आई ये सदा लोहो कलम रखे हैं, और ये मुझ में जो एक आलम बेचैनी है, दौराने लहू में रम बेचैनी है, हर नक्श में एक गर्दश बेताबी है, गर्दश बेताबी है, हर हर्फ में पेचो खम में बेचैनी है, कुछ वसलियाँ मैं और सजा लाया हूँ, बिल्कुल हुई नए जोड़ बना लाया हूँ, उस्तादों की जिस कैद कैद रियाज में थे वो, इस कैद से अबजद को छुड़ा लाया हूँ, घर लौह का आबाद किया है दोस्त, एक खत नया ईजाद किया है दोस्त, उस्तादों ने अबजद को मुकय्यद था किया, मैंने इन्हें आज़ाद किया है दोस्त। इस नज़्म में, इस शायरी में आप देखें कि जो है रसूलुल्लाह सल्लम के हवाले से, अल्लाह ताला के हवाले से जो इश्क है सादगैन का, और जिस तरह वो बयान करते हैं और जिस तरह उसकी तफसीर बयान करते हैं कि किस तरह मेरी मुसव्वरी जो है वो मेरे बस में तो है ही नहीं, ये तो मशीयत मुझसे रखवाती, और ये एक हकीकत है कि बहुत से अदब में भी ऐसा होता है, मुसव्वरी में भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि कोई तहरीर हो तो वो कहते हैं कि भाई ये मुझे नहीं मालूम कि मैंने किस कैसे लिख डाली, तो लगता है कि ये मुझसे लिखवाई गई है। चुनांचे सादगैन का भी यही हाल था, उसकी मुसव्वरी बकौल उसके वाकई लिखवाई गई थी। अभी कैनवस पर कुछ और रंग लगने, जी और रंग भी आ गए, उस ड्रामाई जो सानिया हुआ उसे बयान करने से पेशतर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब तमाम काम मुकम्मल हो गया, पोर्ट्रेट भी और सर्वर्क भी और 24 खाके भी, तो नेशनल सेंटर लाहौर में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई और इस सादगैनी एडिशन का इफ्तिताह हुआ, जिसमें मोहतरम अहमद नदीम कासमी साहब ने सदारत की। जाहिर है कि सादगैन साहब मेहमान खसूसी थे, उनके अलावा अमजद इस्लाम अमजद थे,
यूसुफ कामरान थे, दो तीन और लोग भी थे, और वहाँ पे सादगैन ने बाकायदा अपने हाथ से एक खत्ताती करके एक छोटा सा मज़मून मेरे बारे में पढ़ा, जिस पर मुझे आज भी बहुत नाज है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा बल्कि सबसे बड़ा मुसव्विर जो है उसने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया, मैं वो नहीं हूँ जो उन्होंने बयान किया, ये हम बाद में बयान करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर, जब 24 खाके मुकम्मल हो गए तो पोर्ट्रेट की बारी आई, मुझे सामने बिठा लिया, अब मुझे बिठाया हुआ और पेंसिल से कुछ मेरी पैमाइशें वगैरह यूं यूं करके कर रहे हैं, कभी किसी एंगल से देखते हैं, कभी किसी एंगल से देखते हैं, और फिर एकदम वो पेंसिल जो थी बॉल पॉइंट था अब वो रख दिया, कहने लगे दार साहब आज दरअसल उंगलियों में हुसन के शरारे नहीं हैं। तो फिर कभी सही, अब मैंने कहा कि ये शरारे अब कहाँ से लाएं, तो बाहर तो और अगले ही रोज़ कुछ शरारे मुयसर आ गए और उन्होंने दो दिन में बहुत बारीकी से, क्योंकि बाल पॉइंट बारीक होता है तो उससे बहुत तफसील से उन्होंने पोर्ट्रेट बनाई, और एक दो मरतबा उन्होंने कहा कि आपकी नाक कदरे लंबी है तो इसको बनाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है और आँख का जाविया भी दुरुस्त नहीं बैठ रहा। बहरहाल वो पोर्ट्रेट मुकम्मल हो गई, उसके बाद आखिर में सरवर्क बनना था, वो सरवर्क उन्होंने बनाया, उसकी तफसील मैं बाद में बताता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सरवर्क था, उसके ऊपर बहुत मेहनत की। अच्छा, उसके दौरान ऐसे ही, क्योंकि मैं 15-20 वो मार्कर ले आया था, तो मैंने कहा कि हजूर वो जी चाह कि भी ये भी इस्तेमाल हो जाए, दो चार रंगों के मार्कर, मैंने कहा कि इनको इस्तेमाल नहीं किए करेंगे आप, कहेंगे दार साहब अगर आपके पास 100 टाइयाँ हों इसका ये थोड़ी मतलब है कि एक सूट के साथ सभी पहन लें, तो मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। तो वो सरवर्क बन गया, वहाँ पे ईजल पे रखा था, कहने लगे ले जाइए इसे, मन्नू भाई ने ये कहा था कि मुझे दिखाने से मुझे पहले दिखा लेना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, सभी दोस्त जो थे वहाँ पे इकट्ठे होते थे कि हम पहले देखेंगे फिर इसको घर ले जाइएगा, मैंने कहा जी सुबह को ले जाऊँगा, उन्होंने कहा ठीक। अगली सवेर 11 बजे करीब मैं गया, सुबह 11 बजे, और उनका जो कमरा था मुकफ्फल था, तो मैंने यूं ही वो एक थोड़ी सी ऊंचाई थी वहाँ पे पांव रख के खिड़की से अंदर झांका, और वहाँ जिस ईजल पर वो सरवर्क पड़ा था, पेंटिंग पड़ी थी, पेंटिंग नहीं थी, अब मेरा दिल बैठ गया अगर वहाँ नहीं तो कहाँ है। आध घंटे के बाद सादगैन साहब आ गए, मुझे देखा, अंदर ले गए, अब हम बैठे हुए हैं और मैं कतई तौर पर ये मेंशन नहीं करता कि भाई हजूर वो पेंटिंग कहाँ गई, और ज़ाहिर है कि वो भी आगाह थे, थोड़ी देर के बाद कहते हैं तार साहब आप हैरानी में मुब्तला है कि वो तस्वीर कहाँ गई। तो मैंने कहा जी आप फरमाइए कहाँ गई, तो कहने लगे कि आपने वो मेरी रुबाई सुनी, फिर उन्होंने वही पंजाबी रुबाई से मुझे सुनाई कि मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें शीशे के शोकेस में बंद करके देखूं, मुसलसल देखूं। तो कहने लगे कि यहाँ पे एक नाजनीन है, अजायब घर में काम करती है, तो एक रोज़ उसकी सहेली मेरे पास आई, तो कहने लगी सादगैन साहब एक मिनट के लिए आप चलें और वो आपको बुला रही हैं। तो मैं गया तो उन्होंने अजायब घर के अंदर एक शोकेस था शीशे, उसमें वो बनी ठनी बहुत हार श्रृंगार के साथ बैठी थी यूं करके, और उन्होंने कहा कि सादगैन मैंने आपकी जो रुबाई है उसको तस्वीरी शक्ल दे दी। तो दार साहब अब ऐसी खातून जिसने अपने आप को शीशे के शोकेस में बंद करके मेरी रुबाई का रूप इख्तियार किया, क्या मैं उसको इनकार कर सकता। वो आज सुबह आई और आज तक उसने कोई चीज़ नहीं मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि सादगैन मुझे ये पेंटिंग पसंद, तो वो ले गई। अब मैं बैठा हुआ हूँ तो कहने लगे रंजीदगी की कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं उंगलियाँ सलामत है ना, जिन्होंने वो सरवर्क बनाया था, और बाकी रंग भी है, कैनवस भी है, दोबारा बन जाएगी, और उसने एक दो खामियां थी,
इसमें नहीं होंगी। चुनांचे उन्होंने दोबारा मेरे सामने वो सर्वर बनाना शुरू कर दिया और वो हमेशा मैं और वो अकेले होते थे तो वो बनाते, 3-4 रोज़ लगे। और मुझे एक उसका याद है कि कूलर चल रहा होता था, एसी नहीं था उनके कमरे में, तो कहने लगे ये कूलर बंद कर दीजिए। मैंने कूलर बंद किया तो वो बनाने लगे मार्कर के साथ, तो कहने लगे वो जो है ना कि शरीर खामा निवाए फरोश नहीं है, ये शरीर खामा सुनिए। और वो उसके साथ घिसट जो थी उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, तो कहने लगे ये है साद कैन के शरीर खामा की आवाज़। ख़्वातीन हज़रात वो तस्वीर मुकम्मल हो गई और थोड़ी देर के बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप ज़रा कमरे से बाहर चले जाइए। रात का वक्त था तो मैंने कहा कि लो भाई ये भी कहीं आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं बाहर चला गया। फिर खालिद आया कि आ जाइए, मैं अंदर गया हूँ तो वो जो कमरा था, मैं आपसे बयान कर चुका हूँ कि छोटा सा था, तो उसके ज़रा से उधर जहाँ पे उन्होंने अपना गद्दा बिछाया हुआ था सोने के लिए, वहाँ मैंने देखा। और मैंने क्या देखा, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है याद है, और उस यादों के उनके दिए जो हैं, उनकी जो शमा की रोशनी अब भी मेरे दिल में झिलमिलाते हैं। मैं यादों के कुछ और दिए रोशन कर लूं। यादों के सब दिए रोशन हो गए हैं, अब सर्वर की पेंटिंग के गुम हो जाने पर या गायब हो जाने पर या किसी के तोहफा दिए जाने पर, मैं रंजीता तो बहुत था, तो साथ कहने लगे साहब आपने अरस्तु का नाम सुना है, बहुत बड़े फलसफी हुआ करते थे। मैंने कहा जी सुनो, मैंने कहा अभी अरस्तु का काम कहाँ से आ गया मेरी पेंटिंग, सिकंदर आजम के उस्ताद थे और सिकंदर उनको बहुत पसंद करते थे, तो सिकंदर की एक महबूबा थी, तो उसने कहा कि ये बूढ़ा तुम्हें गलत सलत बातें बताता है, कहता जाओ जाके दुनिया पता करो, दुनिया तो मैं हूँ। तो सिकंदर ने उसकी बात ना मानी, तो एक रोज़ वो खातून जबकि अरस्तु गौरव हौज कर रहा था एक तालाब के किनारे, वहाँ से छम से उसके सामने आ खड़ी हुई, और क्या सरापा नाज और क्या उसका श्रृंगार और क्या उसके नखरे, अरस्तु साहब तो दम खुद रह गए। चुनांचे रोज़ाना उसने आना शुरू कर दिया और एक रोज़ अरस्तु से कहने लगी, और उस रोज़ खसूसी उसने बंदोबस्त किया, सिकंदर आजम को कहा कि आओ तुम देखो तो सही कि तुम्हारा उस्ताद क्या करता है जिसके तुम कहना मानते हो और दुनिया फतह करने चले हो। तो वो लड़की जो थी वो सरापा नाज बन के अरस्तु को कहने लगी, नखरे दिखाने लगी, कहने लगी कि आज तो मेरा जी चाहता है कि मैं घुड़सवारी करूं। तो उन्होंने कहा सौविस मिल्ला, अरस्तु घोड़ा बन गए, अरस्तु को जानते हैं ना, बहुत बड़े फिलासफर थे, और लड़की सवार और उसके साथ एक चाबुक बनाई किसी शाख से और टक टक करने लगी, और अरस्तु तालाब के किनारे घोड़ा बन के चल रहे। यानी डॉक्टर साहब, अगर अरस्तु एक लड़की के लिए घोड़ा बन सकते हैं तो ये ना चीज़ साद कैन क्या चीज़।